अभी सोचने का नहीं भैया, अभी मार्केट खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ये देखो, यहाँ पे हमें कैंडल, मैं आपको एक ट्रेड ही बता देता हूँ उससे अच्छा, तो सही है ना? तो ट्रेड देखोगे ना तो अच्छा रहेगा उसके अंदर। और पेन लेवल, अभी पेन लेवल क्या चल रहा है? 750 है वो, हम एक बार चेक तो हम तो बहुत अच्छा होगा अगर 750 हुआ ना तो। हाँ एक बार फिर से मैं अभी अपने सिस्टम में चेक कर लेता हूँ। तो क्या ये ट्रेड हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे? हुआ ट्रेड 750 है ना, गया ऊपर। तो 800 तक ले जाएंगे इसको भैया, निफ्टी में बाइंग आ गया। हाँ सही है बात आपकी, यू आर राइट। ये हुआ ना रेंज भी ब्रेकआउट हो गया, 100 के ऊपर बाय था ये वाला, ये 70,600। क्योंकि वो क्या है, वो डेल्टा वन हो गया इसका। एक बार इसको पेन लेवल चेक कर देता हूं तो क्या, कितना पैसा लगा है देख लेते हैं, क्योंकि अभी निकले होगे ना। हाँ वो बात भी हुई थी हमारी, सही है आपकी बात। आपको डेटा पता होगा ना तो आइडिया और कॉन्फिडेंस पड़ेगा आपका। देखो ये आया 750 के ऊपर, कितना है ATCR, ATCR मतलब हो गया। फिर यहां पे कितना है, 20 करोड़ का डिफरेंस 700। और लेकिन ये तो है ही नहीं, समझे? तो अभी क्या होगा, 700 और 750 के बीच में जाने का ट्राई करेगा ये। हाँ गया ऑप्शन हमारा लाइव में ऊपर गया। हमने क्या किया मालूम है, 1 डेल्टा बाय किया सुबह पर। हाँ बेसिकली 100 रुपये के अंदर लाइव में इतना स्टॉप लॉस रख के गया। अभी देखो अभी अच्छा प्रॉफिट आएगा इसके अंदर, अभी 10 पॉइंट तो मिल गए ना हमें, 5-10 पॉइंट तो। वैसे ये देखो इसका लो कितना है, 90 के ऊपर बाय था, 91 समझ लो हमारा। हाँ 91 पे हमारा जो बाएंगे ना वो बता देता हूँ। तो 10 पॉइंट तो मिल गए ना, तो अभी ट्रेल कर लो कोई भी, 3 मिनट है। और मैं भी वही बोल रहा हूं कि 100 तो अभी तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा है, हमें सब कुछ मालूम है, बराबर ना? तो ये कॉन्फिडेंटली बाइंग करने में मजा आएगा इसके अंदर। तो इन लोगों ने नीचे भी सबको ट्रैप कर दिया। और अगर हमारा देखे यहां पे तो अभी 100 रुपीज का बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखने का इसके अंदर, क्योंकि क्या आज वो गामा है ना, कोई भी हो सकता है। 10 पॉइंट का फिक्स कर देने का टारगेट इसके अंदर। ये वाला लाइन है ना वो भी हमारा लेवल है, देखो 710 का निफ्टी के अंदर। हेलो बराबर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ही है ना, देखो हेड एंड शोल्डर जैसा हुआ है। तो ये हेड, ये नेक लाइन है, अभी यहां से ऐसे भी घूम सकता है। और अगर नहीं घूमा टाइम स्पेंड करके तो ऊपर जाना है तो जाएगा, लेकिन उसकी बाउंड्री क्या है, 750 के नीचे और 800 के अंदर एज पर डेटा। क्या डोमेन, ये सभी FII कर रहे हैं अभी, जो छोटे बच्चों को तो डर लगेगा ना यहाँ पे बाइंग के लिए। उन लोगों को तो क्या अलगो है, 10 पॉइंट आया निकल गए, समझे?
उन लोगों को तो हर कैंडल में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं ना, HFT, तो हाई फ्रीक्वेंसी में उनके पास तो बहुत सुपर कंप्यूटर होते हैं, हमारे ब्रेन से भी ज्यादा सोचते हैं, कि पर सेकंड से भी कम में वो लोग निकल जाते हैं। तो देखो वो लोग रिस्पेक्ट, उसको हमने देख लिया, देखो 100 को टच नहीं किया इसने, 100.95 समझे, ये गया ऊपर लाइव, बूम, तो ये दूसरा लाइव 90 to 120। अगर दूसरे में हमें चाहिए तो कितना देर लगता है भैया, बूम। देशिक को आइडिया आ गया कि हमने डेटा कैसे पकड़ा, सुभंग आपको आ गया आइडिया, आइडिया आ गया कि बाइंग क्यों किया हमने, एक बार समझा दो। चलो शुभम, आप एक बार समझा दो कि क्यों हमने बाय 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 किया ये। पहले हमने क्या देखा, पेन लेवल देखा, पेन लेवल से नीचे था और ट्रैप हो गए सब, सबको ट्रैप किया बराबर, और ट्रैप करके क्या किया, उनके पैसे कितने लगे हमको मालूम हो गया पहले। हाँ, परफेक्ट, क्योंकि वो स्मार्ट मनी है उन लोगों के पास, तो वो लोग अपना तो घाटा नहीं होने देंगे ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि उन लोगों को भी ऑप्शंस बाय करने थे, तो हमने भी बाय कर लिए। ओके, एक्सपायरी कहां पे आने वाली है, उसके नीचे, हाँ, या थोड़ा ऊपर, 20 पॉइंट प्लस माइनस चलता है बराबर ना, सही है। और हम कहाँ थे, 650, वहां तो एक्सपायरी आएगी ही नहीं, वो तो हमें पक्का मालूम था। हाँ, क्योंकि हाँ, और वो टूटेगा नहीं वो भी हमने बोला था, क्योंकि वो किसका पैसा, एक एक रुपये वालों का पैसा है वो, आप रिटेलर नहीं है उसके अंदर अभी बराबर ना। तो इसी के लिए 90 रुपीज का ऑप्शन कितना हो गया अभी, 30 लाइव मार्केट के अंदर। और ये ट्रेड हमने क्यों लिया, कॉन्फिडेंस से लिया। और दूसरा क्या था, जो हमारा लेवल भी है यहां पे देखो बराबर, लेवल पे प्राइस एक्शन हुआ और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, तो भी हमने बाय किया, कि तो भी कर सकते थे ना। ओके, लेकिन आज तो हमें सब मालूम है एक्सपायरी के दिन, तो हम आज क्या है, किंग है, सही है। तो ये कॉन्फिडेंट ट्रेड होता है, इसलिए एक्सपायरी के दिन हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, आखिर के अंदर आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आपको 50 पॉइंट लेने के लिए धक धक कितना होगा, बहुत ज्यादा। इसमें हमने कितने पॉइंट ले लिए अभी बराबर ना, 90 का था ना, हमने नीचे से नहीं लिया है एक्चुअली, हम यहां से बाय कर सकते थे, लेकिन बाद में हमने देखा, तो हम चीटिंग नहीं करते, हमने जो हमारा परचेस प्राइस था ना वही रखा है। हाँ, अगर हम ये ग्राफ चेक करते ना तो हम यहां से बाय करते, लेकिन हमने बाद में चेक किया तो हमने यहां से लिया, तो हम यहां पे ही रखेंगे सब बराबर। तो अभी इसको ट्रेल क्या है, हाँ, एक मिनट, ट्रेड देख ले, ट्रेड का एग्जिट देख लेते एक बार, मैं आपको लाइव में बता देता हूँ ट्रेड का एग्जिट, क्योंकि एंट्री तो कर दी आप लोगों ने बराबर ना, अभी एग्जिट भी देखना पड़ेगा ना। अभी ऐसा ट्रेड कोई बताएगा आपको कि 90 रुपीज का ऑप्शन चला गया 120 रुपया लाइव में विथ कॉन्फिडेंस। हाँ, और हम तो क्या, मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरे सामने बिठाओ किसी को भी बड़े आदमी को, मेरा क्या, मैं तो हर रोज लाइव ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं तो थोड़ा किसी के पीठ पीछे ट्रेडिंग करता हूँ। अभी चलता है 130, तभी सामने है सबके सामने, देखो ये वाला है ना, ये इसका हाई 135 या 136 ये वाला, तो
तो ये हमारा बाउंड्री आ गया, अभी इसकी लिमिट आ गई, समझो। ओके, अगर ये लिमिट ब्रीच हुई तो हुई, और ये जो 200 का मूविंग एवरेज है ना, वहां पे देखो अल्गो क्या करेगा फिर। एक मिनट का है ये, हाँ देखो ये स्टॉप हो गई ना ये मूवमेंट, कि मेरा नेट तो बंद नहीं हुआ ना, नेट बंद था। देखो अभी अभी इसकी मूवमेंट, हाँ बूम, कितना हुआ सुबह, सो दिस इज हाउ वी शुड ट्रेड। आपने कितना बता रहा है, मेरा 153, 90 रुपीज टू 90 रुपीज टू 153, ये जिसने सेशन, हाँ लेकिन आज जिसने सेशन मिस किया ना उसने बहुत घुमाया, समझ लो। अभी ट्रेल कर दो कहाँ पे, 150 के ऊपर। हाँ अभी निकलने का टाइम हुआ है, क्योंकि क्या हुआ, हाँ बराबर, तो ये देखो अभी ये आ गए, अभी इसको जाने दो, 150 के ऊपर ट्रेल कर दिया तो। नेट जीरो हो गया, थोड़ा निकल गए हम, बराबर ना। चलो हो गया लाइव ट्रेड।